जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। आपने हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ी होगी, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में संधि को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, साथ ही विस्तृत अध्ययन भी इसका करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, आपको आज संधि बिल्कुल समझ में आने वाली है। जो भी साथी संधि अभी तक समझ में नहीं आती या जिनको डाउट है, वो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर करना है, जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। हिंदी व्याकरण में संधि को आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सभी को पता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्ण, सबसे पहले तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्ण पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने वीडियो डाले हैं, और जब आपने वर्ण पढ़े हैं तो वर्ण आपको पता है, और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के होते हैं दोस्तों तीन भेद। एक तो व्यंजन संधि, दूसरा विसर्ग संधि और स्वर संधि। ये तीन भेद होते हैं संधि के, जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बात करें कि स्वर संधि, स्वर संधि को पांच भागों में पुनः बांटा गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा पांच भागों में। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये संधि को आपको याद रख लेना है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के जो पांच भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि की परिभाषा को जान लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, आपने वर्णमाला में पढ़े होंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, तो दो स्वरों के मेल से, यहां पर स्वर स्वर ही आएंगे है ना, स्वरों का ही मेल होगा, होने वाले जो परिवर्तन है, जो विकार है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांच भेद हैं। सबसे पहले ट्रिक जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका विस्तृत अध्ययन भी पढ़ाएंगे और एक एक चीज आपको समझाएंगे किस प्रकार से संधि होती है। ठीक है, तो दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बड़ा। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या होगा, बड़ी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, यानी कि बड़े आ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी और बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है, अगर शब्द में बड़े आ की मात्रा आ रही है या बड़े ऊ की या बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो वहां पर आपकी जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ मतलब तो क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो बड़ी मात्रा है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि मतलब एक मात्रा, एक मात्रा आए तो गुण संधि। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, कितनी मात्रा आए, एक मात्रा आए तो गुण संधि। शब्द में अगर एक मात्रा आ रही, जैसे एक मतलब क्या होता है, एक ही मात्रा या फिर ओ की मात्रा। ए मात्रा क्या है, एक मात्रा है। अगर ए मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि देखो, दो मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगी, एक की ओर वृद्धि हो जाएगी, तो दो मात्राएं इस प्रकार से आई की और औ की, ये दो मात्राएं आ रही हैं तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यण संधि में बात करें तो या रा ला और वा, ये अंत्यस्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे, के पहले आधा शब्द आए तो यण संधि हो जाती है। जैसे बात करें नारी स्वर, यहां पर वा आ रहा है और वा के पहले ये आधा शब्द आ गया, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा विस्तृत पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ट्रिक ट्रिक पहले आपको याद होनी चाहिए। अयादि संधि, अयादि संधि की सबसे पहले बात करें तो अयादि संधि जिन शब्दों में होती है, वे शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ होते हैं। रूढ़ आप समझते होंगे, आपने पढ़े होंगे योगिक रूढ़ और योग रूढ़, ये सारे के सारे पढ़े होंगे। ठीक है, रूढ़ मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो सार्थक समूह नहीं बनाए जा सकते, जिनके सार्थक समूह नहीं बनाए जा सकते वो कहलाते हैं रूढ़। तो सबसे पहली बात तो उन शब्दों में अयादि संधि होती है जो रूढ़ होते हैं। दूसरा, इनके उच्चारण में आए, आए, आओ या फिर आओ, ये उच्चारण होते हैं इनके। जैसे बात करें यहां पर गायक, तो गाय, आय, आय आ रहा ना, आय, गाय। ठीक है, तो एक यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी अयादि संधि। और गायक की बात करें तो गायक को दो सार्थक समूहों में नहीं हम तोड़ सकते, तोड़ सकते क्या, नहीं तोड़ सकते,
तो ये क्या है गायक, रूल शब्द है। तो यहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से देखा व्यंजन संधि की, जब भी बात होती है तो व्यंजन संधि की हम परिभाषा पढ़ लेते हैं कि व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तब व्यंजन संधि होती है, व्यंजन या स्वर का विकार, ठीक है, तो व्यंजन संधि होती है। जैसे बात करें सत धन चरित्र, तो हो जाता है आपका सच्चरित्र, और सच्चरित्र में पूछा जाता है कौन सी संधि है तो आपसे नहीं बनती। संसार में पूछा जाता है कौन सी संधि है तो आपसे नहीं बनती है। तो आज हम विशेष ट्रिक बताएंगे और आप संसार को देखेंगे और संधि बता देंगे, सच्चरित्र को देखेंगे और संधि बता देंगे कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है। आपकी पहली ट्रिक है कि अगर शब्द में आधा चा और पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा टा, आधा ना पूरा ना, और आधा ला और पूरा ला, ये शब्द अगर आते हैं तो आपकी कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। सज्जन, सज्जन में आपने क्या किया, आधा जा और पूरा जा आया तो आपकी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। जगन्नाथ में आपने क्या किया, आधा ना और पूरा ना आया तो आपकी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। उच्चारण में आपने क्या किया, उच्चारण में आधा चा और पूरा चा आया तो कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। यहां पर हमने सचरित्र देखा था, आधा चा और पूरा चा आया कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। तो आपको याद रख लेना है कि अगर शब्द में आधा चा, आधा जा के बाद पूरा जा, आधा टा और टा, आधा ना और ना, आधा ला और ला आते हैं तो यहां पर आपकी शब्द को देखते ही व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। दूसरी देख लो, किसी शब्द में आधा दा, आधा डा और पूरा डा आए तब आपकी व्यंजन संधि होगी। आप पढ़ते हैं क्या, उद्धार, उद्धार देखा आधा दा और दा आया कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। तो ये भी आपको याद रखनी है। किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर अम्म की बिंदी, अम्म की बिंदी ए अम्म की बिंदी है, अगर आए तो भी क्या होगी, व्यंजन संधि। यहां पर हमने देखा था संसार, अब आप शब्द देख रहे थे और आपसे नहीं भर रहा था, लेकिन अब आपने पता कर लिया कि अगर चंद्र बिंदी पहले अक्षर में है तो आपने शब्द को देखा और बता दिया कि सर इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यहां पर आपको अम्म की बिंदी देखना है, जैसे लिखिए संस्कृत, संस्कृत में आपको अम्म की बिंदी मिल गई तो आपने बता दिया व्यंजन संधि। सा के ऊपर आपको संहार में बिंदी मिल गई तो व्यंजन संधि, संसार में आपको बिंदी मिल गई तो व्यंजन संधि। ट्रिक अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना अपने मित्रों तक। किसी शब्द के बीच में इष्ट आए तो व्यंजन संधि होगी, जैसे अनुष्ठान, अनुष्ठान में इष्ट आया, निष्ठुर में इष्ट आया, युधिष्ठिर में इष्ट आया, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है। तो क्या आए, इष्ट आए, ये चीज आपको देखनी है। किसी शब्द में आधा चा और छा, आधा ना मा, आधा ड़ा और मा दिख जाए तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी, तो ये चीज आपको देखना है। जैसे बात करें अनुच्छेद, अनुच्छेद आधा चा और छा आया तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। एक बार फिर से और अच्छे से देख लो, अगर शब्द में आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा टा, आधा ना और पूरा ना, आधा ला और पूरा ला आता है तो आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। उदाहरण के माध्यम से हमने सज्जन जगन्नाथ और उच्चारण को देख लिया, ठीक है। किसी शब्द में आधा डा और धा आता है, आधा था और दा आता है, आधा डा और डा आता है तो भी व्यंजन संधि आपकी हो जाती है। और अगर शब्द के पहले अक्षर में ही अम्म की बिंदी आ जाती है तो भी आपकी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। संस्कृत, सहार, संसार, ये सारे के सारे उदाहरण हमने देख लिए, ठीक है। किसी शब्द के बीच में इष्ट आए तो भी व्यंजन संधि होगी, अनुष्ठान, निष्ठुर, युधिष्ठिर, ऐसे ही कुछ उदाहरण है आपके। किसी शब्द में आधा चा और छा आए, आधा ना मा आए, आधा डा और मा आए तो भी आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। तो दोस्तों ट्रिक कैसी लगी आपको, जल्दी से लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके लिए कितना उपयोगी है। ये तो मात्र ट्रिक थी दोस्तों, जो आपके लिए इतना करने के लिए बताया गया है कि अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, देने के लिए जा रहे हैं और कल आपका एग्जाम है तो ये ट्रिक आपके लिए रामबाण साबित होगी। एक या दो नंबर जो आपके कट जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए युधिष्ठिर में कौन सी संधि है तो आप क्या बता पाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं, लेकिन ये कुछ शब्द आपको मैंने बताई, कुछ ट्रिक बताई है, इससे आप शब्द को देखेंगे और बता देंगे कि ये तो व्यंजन संधि है। हमें आज हम विसर्ग संधि को, ठीक है,
सभी लोग पढ़ते होंगे, अभी तक आप विसर्ग संधि पढ़ी होगी, समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज विसर्ग संधि आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। क्या बोल रहे हैं कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें कि यहां पर क्या है, निह धन रव बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? नीरव। ठीक है, नीरव हो जाएगा। निह यहां पर निह धन ईह तो क्या हो जाएगा? निरीह। तो ये कुछ उदाहरण है विसर्ग संधि के। अब विसर्ग संधि को हम जानेंगे बिल्कुल 5 सेकंड में आपको विसर्ग संधि बनने लगेगी। यहां पर बहुत अच्छे से देखना है, आपका जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट ट्रिक है, आधा सा और आधा सा, ठीक है, के बाद अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपने वर्णमाला में वर्ग पढ़े होंगे, कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं, है ना। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर होते हैं, प्रथम द्वितीय यानी कि का और खा, ये जो लाइन है और ये लाइन है, कचट तप खचट ठप, ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है अघोष। और अगर इन शब्दों के बाद, इन अक्षरों के बाद अघोष व्यंजन आते हैं तो क्या हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया है निश्चय, तो यहां पर क्या आधा है? आधा सा आया है और उसके बाद ये अघोष व्यंजन आया है, कौन सा? चा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 100% आपकी विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार के निश्चल है ना, निश्चय, निस्तेज, तो ये सारे के सारे जहां पर भी आधा सा और उसके बाद अघोष व्यंजन आता है वहां पर होगी आपकी विसर्ग संधि। दूसरा नियम जान लेते हैं, किसी शब्द में आधा सा और सा, इस प्रकार से अधा सा सा आए तो क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे निस्संदेह की बात करें तो आधा सा और सा आया, ये आया ना, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन आपने वर्ग के पढ़े होंगे, वर्ग के 3, 4, 5 जो अक्षर होते हैं वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। 1, 2 कहलाते हैं अघोष, 3, 4, 5 कहलाते हैं सघोष, ये सभी को पता है। अगर ओ के बाद, काय के बाद? ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर या रा ला हा, इनमें से कोई व्यंजन आए तो क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। इनमें से कोई अगर अक्षर आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें तपोभूमि, तपो में क्या हो जाएगा? ओ आ रहा है यहां पर, ओ, और उसके बाद जो आ रहा है वो सघोष व्यंजन आ रहा है भा, तो यहां पर तपोभूमि में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपकी विसर्ग संधि। और इसका हम विच्छेद भी आपको बताएंगे अभी आगे चल के, विच्छेद भी आपसे बनने लगेगा आज। तो यहां पर ये तपोभूमि हो जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो सघोष और अघोष आना चाहिए। ठीक है, और अब दोस्तों आपको रेप, रेप यानी कि आधा रा के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या रा ला वा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें निर्गुण, अब यहां पर आधा आपका क्या आया है? रा आया है या ये रेप आई है और उसके बाद ए आया है क्या? आपका सघोष व्यंजन रा। ठीक है, इड़ा आया है तो आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ई के बाद, ई के बाद रा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे ए बड़ी ई है और इसके बाद रा आ गया तो विसर्ग संधि होगी, नीरव। ठीक है ना, जैसे बात करें नीरज तो विसर्ग संधि होगी, ई के बाद रा आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। ये 5 नियम अगर आपने जान लिए, आपको समझ में आ गए, मतलब आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट होगी।